हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, हम आज ऐसे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसको फ्रेशर से लेके 10 साल के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 6 तरह का वैकेंसी आया है इन द ऑर्गेनाइजेशन नेम एज चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो हम इस पूरे वीडियो में डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप जब करियर पेज में देखेंगे तो कई तरह की वैकेंसी है जो कि ओपन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे से 6 वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पे फील्ड एग्जीक्यूटिव से लेके यहाँ पे फंड रेजिंग डायरेक्टर, प्रोग्राम प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, फील्ड सुपरवाइज़र, ट्रेनी, ये सारे वैकेंसी है जिसको MSW अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी ऐसा है जिसको फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं कुछ वैकेंसी में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 साल से लेके 10 साल तक का एक्सपीरियंस वेरी हो रहा है इस 6 वैकेंसी में। तो चलिए एक एक करके डिटेल में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लेके आती हूँ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत ही वैलिड एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम। तो आप देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एडमिशन नोटिफिकेशन भी लाती हूँ, साथ ही लाती हूँ कई तरह के जॉब वैकेंसी, कुछ कंसेप्ट भी लेके आती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है MSW को जानना। तो चलिए देखते हैं कि करके वैकेंसी कर रहे हैं। पहली वैकेंसी है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का है और यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने मोबिलाइजेशन पे काम किया हो और ग्रेजुएट हो, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ नॉट फॉर द सोशल वर्कर। हम लोग जहाँ से बात करते हैं, फंड रेजिंग पोजिशन है, एग्जीक्यूटिव फंड रेजिंग का पोजिशन। यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 1 से 2 साल मांगा गया है किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। आप अगर वर्क एक्सपीरियंस है और आप ग्रेजुएट हैं और आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप ईस्ट दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर पोजिशन 2 है। चलिए अब दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरी वैकेंसी है वो है डायरेक्टर प्रोग्राम पोजीशन के लिए, डायरेक्टर पोस्ट के लिए। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस चूँकि डायरेक्टर पोस्ट का है, तो 7 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है इन द एरिया ऑफ सोशल वर्क सेक्टर। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन है डिग्री इन MSW, यानी कि BSW वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, BSW वाले नहीं, डिग्री इन MSW है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि MSW जो भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर चुके हैं और उनके पास 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस अगर सोशल सेक्टर में है, तो दे कैन अप्लाई। नाउ सम अदर स्किल्स आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, गुड लिटरेट कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, गुड रिपोर्टिंग स्किल्स होना चाहिए, साथ ही विलिंग टू ट्रैवल टू प्रोग्राम साइट ऑल्सो नीडेड। लोकेशन फॉर द पोजिशन इज ईस्ट दिल्ली एंड नंबर ऑफ वैकेंसी इज 1। तो आप देख सकते हैं। और तीसरी वैकेंसी है प्रोग्राम ऑफिसर की, एंड फॉर दिस पोजिशन एक्सपीरियंस इज नाउ लेस देन द डायरेक्टर पोजिशन, डैट इज फॉर पोजिशन ऑफ प्रोग्राम ऑफिसर ओनली 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड इन द एरिया ऑफ सोशल सेक्टर, सोशल वर्क सेक्टर। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने स्ट्रीट चाइल्ड पे खासकर काम किया है, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन MSW है, साथ ही सेम आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और ट्रेवल के लिए आप हमेशा तत्पर रहें। लोकेशन होगा ईस्ट दिल्ली, नंबर ऑफ वैकेंसी 1। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, और यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस और घट के 3 से 5 साल का हो गया है इन द एरिया ऑफ सोशल वर्क सेक्टर, प्रिफरेबली फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रेन। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रेंस पे काम कर चुके हैं, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड क्वालिफिकेशन इज़ हेयर ऑल्सो ए डिग्री इन MSW, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि MSW कर चुके हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर चुके हैं एंड दे हैव 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, दे कैन अप्लाई। सेम लोकेशन है, आपको यहाँ पे जो पोजीशन है वो 5 पोजीशन है फॉर डिफरेंट लोकेशन इन दिल्ली, डैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल दिल्ली। 5ों लोकेशन के लिए एक एक पोजीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है फील्ड सुपरवाइज़र की, जिसको कि MSW, BSW या कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो और घट के 1 से 3 साल का हो गया है और जो लोकेशन है वो 10 है
वैकेंसी 10 है फॉर द डिफरेंट 5 लोकेशन, हर लोकेशन के लिए दो दो वैकेंसी यहाँ पे है इन दिल्ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल दिल्ली, पांचों लोकेशन के लिए दो दो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। नाउ द लास्ट जॉब वैकेंसी फॉर द फ्रेशर, यहाँ पे ट्रेनिंग का पोजीशन है और यहाँ पे MSW, BSW और ग्रेजुएट तीनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे भी गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। यहाँ भी नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, फॉर ईच लोकेशन 2 वैकेंसी आर इज देयर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल दिल्ली, पांचों लोकेशन के लिए दो दो वैकेंसी है। तो ये बात हुई पोजीशंस की, कहाँ कितना पोजीशन खाली है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इतना इजी मेथड है, आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम जिसमें आपका सारे पार्टिकुलर्स आप बहुत अच्छे से बनाते हैं अपने रिज्यूम में, उस रिज्यूमे को आपको childfoundation@radif.mail पे भेज देना है या फिर ccdf@childcare.org.in पे जाके इसको देख सकते हैं। तो ये हुई बात 6 तरह की वैकेंसी की, जिसको MSW, BSW, फ्रेशर से लेके 10 साल के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने भी चाइल्ड पे काम कर रखा हो या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन पे किए हो तो उनको और प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाइए। और आपको लगता है ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है बट किसी कोई और आपके जान पहचान के हैं जिनके पास वो एक्सपीरियंस या वो उस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, तो उनको आप ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।